ये देखो भाई, एक गया नहीं, ये पहला, ये दूसरा भी आ गया। तो यार पहुंच गए रणछोड़। देखो यार, जगह जगह पत्थर गिरे हुए हैं यार, और कुछ छोटे मोटे पत्थर भी नहीं, बहुत भारी पत्थर है। किसी इंसान भी गिर जाए तो भाई साहब आदमी उठ ही नहीं पाए। बहुत रिस्की भाई, बहुत रिस्की। देखो यार, पहले यहाँ पे खच्चर वगैरह की व्यवस्था की होगी, लेकिन लैंड स्लाइडिंग हो रखी है यहाँ पे भी। कुछ पता नहीं भाई, पहाड़ी में तो सच में बहुत ज़्यादा रिस्की भी रहती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दूर रहे ना तो यहाँ का जैसा मौसम और यहाँ के जैसे लोग भी कहीं नहीं मिलेंगे। ये बाउंड्री बना रखी थी, ये भी इसके साथ पूरी नीचे आ गई। जय श्री शंकर। ये देखो भाई, अभी भी ऊपर जाना है, टेंट लग रहे हैं। यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके से है भाई, ये देखो यहाँ से नदी बह रही है, और एक यहाँ से भी सुनना, देखो ना यहाँ से भी आवाज़ आ रही है, गहराई से सुनोगे देखो, यहाँ से भी सुनोगे ना तो पानी की आवाज़ आ रही है पत्थरों के अंदर से भी। यार ऐसे पता नहीं चलता, इधर से भी आवाज़ आ रही है और इधर पत्थर के, पता नहीं पीछे कुछ होगा या कोई झरना वरना बह रहा हुआ नीचे, उसके अलग आवाज़ आ रही भाई। ओहो क्या नज़ारा है। ये देखो यार, यहाँ से कितनी तेज नदी बह रही है भाई साहब। फ्लो देखो इसका, फ्लो इतने ऊंचे पहाड़ है भाई ये, कि एक कैमरे में भी नहीं आ रहे नॉर्मली भाई। यहाँ तो बहुत बुरी कंडीशन है सच में, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की टास्क है। इससे बढ़िया केदारनाथ वगैरह तो बहुत सेफ है, यहाँ तो बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, ना कोई पुलिस के प्रोटेक्शन वगैरह, ना कुछ मेडिकल टीम है, कुछ भी नहीं है भाई। और ये देखो पानी कैसे बह रहा है, और कुछ पता नहीं भाई, ये जो पत्थर बनाए हुए हैं ना इनका कुछ पक्का नहीं है, ये कब नीचे गिर जाए कुछ नहीं पता, जैसे कई जगह गिर भी चुके हैं ना। और ये देखो लकड़ी का इन्होंने वो बना रखा है, पुल बना रखा है, ये भी पक्का नहीं है, नीचे गिरा तो भाई साहब पब्लिक नीचे, तो ऐसे जाओ तो यार बहुत सोच समझ के जाना। ये देखो भाई, एक गया नहीं, ये पहला, ये दूसरा भी आ गया। भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये देखो जूते वगैरह तो गीले हो जाएंगे आराम से यूँ ही, लेकिन फिर भी सेफ है जूते। ये देखो बाबा जी लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं, क्योंकि रात होते होते ठंड ज़्यादा हो जाएगी ना यहाँ पे। और ऊपर देखो बादल, भाई साहब पहुँच गए, पहुँच गए, आधा रास्ता भी कवर होने वाला है, मतलब आधा होने वाला है। और ये देखो भाई, भाई अपने साथ ना एनर्जी के लिए नींबू, नींबू पानी या नींबू कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, और चॉकलेट वगैरह ले लेना जो आपके एनर्जी के लिए काम करेगी, और रेनकोट ले लेना अच्छा सा, बाकी सब ठीक है। और दो दिन में डिवाइड कर लेना इसको, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी, बाकी सब ठीक है। बाकी फैमिली है, पूरी फैमिली के साथ बताना, क्योंकि यार रिस्क बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा रिस्क है, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लिए बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्क है, और जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हो रखी है, बरसात का मौसम है और इसी टाइम पे यात्रा शुरू होती है ना, तो नॉर्मल सी बात है, नीचे की मिट्टी जब धसेगी तो ऊपर से पहाड़ जरूर गिरेंगे गिरेंगे, तो कंडीशन तो कोई ज़्यादा अच्छी है नहीं, क्योंकि यहाँ की जो हिमाचल की गवर्नमेंट है वो भी, यात्री तो बहुत आते हैं, लाखों लोग आते हैं, लेकिन फिर भी कोई संभालने वाला है नहीं, बाकी सब ठीक है। तो यार धनचोर अभी भी यहाँ से ना 15-20 मिनट के रास्ते पर है, और भाई कुछ ना कुछ बीच में एनर्जी ड्रिंक पीते रहो, नहीं तो हालत सच में ख़राब हो जाएगी। पहले तो भाई बजट थोड़ा डाउन था, अभी मोनिटाइज हो गया तो थोड़ा सा हाथ खुल गए हैं बिल्कुल, बट यह नज़ारे वास्तव में औसम है भाई, थोड़ा सा रिस्की है और स्लिपरी भी है, बरसात आए तो बिल्कुल रुक ही जाना, ऐसा कुछ लेना मत कि आगे चले जाते हैं ऐसा कुछ भी, क्योंकि हर जगह रुकने की व्यवस्था नहीं, हर जगह आपको
खाने पीने की जगह भी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ जब आप यात्रा शुरू करोगे तो हो सकता है उस समय मिल जाए आपको। बाकी टास्क यार मुश्किल है सोच समझ के थोड़ा सा। बाकी आओ मणिमहेश्वर दर्शन करो, मैं गलत नहीं कहूँगा नहीं आने के लिए, आओ। तो भाई ऐसे ऐसे ट्रैक देखने को मिलते हैं रास्ते में यार। और ये देखो यहाँ पे ऊपर पहाड़ पूरी, अब तो चोटी भी नहीं दिख रही थी, भयंकर धुंध हो गई क्योंकि शाम हो रही है ना धीरे धीरे, थोड़ी ज़्यादा रिस्क होती जा रही है यहाँ पर। लेकिन मौसम सही था, बारिश नहीं हुई तो चलने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। यही पत्थर बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं। ये देखो भाई ये रास्ते हैं यहाँ के, चप्पल में तो बहुत मुश्किल है, शूज़ ज़्यादा बेटर है भाई यहाँ पे। देख लो एक ये रास्ता भी जा रहा है, ये भी सकड़ा है। तो यार पहुँच गए रणछोड़। तो भाई रणछोड़ पहुँच गए, यहाँ कुछ इस तरीके से बना हुआ है और जगह जगह धुंध ही धुंध है। ये देखो कुछ हाल ऐसा है, और ऊपर चढ़ते चढ़ते ना पसीने भी आ रहे हैं भाई अच्छे खासे वाले। बस ये जो भाई साहब चल रहे हैं पीछे पीछे, ये भी है ना पैदल चल करके हैं भाई, उनको 7 से 8 दिन लग गए पूरे अभी तक। और यहाँ पे देखो अपना टेंट वेंट लगा सकते हो आराम से, टेंट लेकर आओ तो अपना, बाकी ठीक है। बाकी नीचे भी व्यवस्था है और ऊपर भी है, अच्छी कोई दिक्कत नहीं है रहने की। भाई धीरे धीरे विजिबिलिटी है ना वो और कम होती जा रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा देखो यार सामने, मतलब 50 मीटर के आगे भी धुंधला दिखाई दे रहा है। और बाकी अब तो पहाड़ वाड़ भी कुछ नहीं दिखाई दे रहे, और शाम के बज रहे हैं 6:30, हल्का फुल्का उजाला ज़रूर है अभी, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होगा ना तो सर्दी बढ़ती जाएगी। वैसे सर्दी स्टार्ट हो गई यार, अभी हल्की हल्की सर्दी लग रही है। तो अभी कहीं रुकूंगा ना तो भाई मैं कुछ पहन लूँगा क्योंकि ठंड लग रही है। 6:30 बज गए अभी, हाल तो बुहाल ही है, थोड़ा सा बेहाल है क्योंकि मैंने तो यार दिख भी नहीं रहा ना, अब देखो इतनी क्लियर नहीं है इसमें क्योंकि अगर अंधेरा हो जाएगा तो फिर ये भी और भी डाउन हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ अभी भी यार, क्योंकि ये बता रहे हैं 4.5 किलोमीटर चढ़े हैं अभी तक यहाँ तक आने में, और यहाँ से अभी 8 किलोमीटर दूर है। कोशिश करूँगा जहाँ तक चलता हूँ, अदरवाइज़ अपने पास टेंट वगैरह है वहीं पर टेंट लगा कर अपना सो जाऊँगा। और यहाँ पर खाना वाना बता रहे हैं, लंगर की भी है तो लंगर भी ले लेना। तो भाई अभी ये ट्रैक है यहाँ पे और दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा। और यहाँ के लोग नॉर्मली, मतलब नीचे के लोग जो बता रहे थे कि ऊपर है ना 8 से 10 फीट तक भी बर्फ़ जम जाती है सर्दियों के टाइम पे। तो भाई कुछ ही हाल है यहाँ पे, और फिर जंगली जानवर भी सारे नीचे आ जाते हैं उस समय क्योंकि जानवर तो है यहाँ पे जैसे गाय है और भी। तो यार अभी अंधेरा हो गया और बारिश भी शुरू हो गई, ये देखो। तो अभी फिलहाल मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, उन्होंने बताया मतलब चार्जिंग वार्जिंग की सारी व्यवस्था है यहाँ, सोने की व्यवस्था भी। बाकी यार मैं अपना स्लीपिंग बैग वगैरह सब कुछ लेकर गया, वैसे भी आ सकता था आराम से। और ये सिर्फ 300 रुपये चार्ज ले रहे हैं, इसमें खाना भी हो जाएगा आपका और रहने की भी अच्छी व्यवस्था है, स्लीपिंग बैग वगैरह भी और कंबल वगैरह सारी सुविधाएँ, खाने पीने की सब कुछ अवेलेबल है। बस चार्जेस थोड़े से ज़्यादा है, बाकी ठीक है। बाकी आप विदाउट टेंट वगैरह भी ला सकते हो, मतलब जरूरी नहीं आप लेकर के आए, विदाउट टेंट भी आ सकते हो, ठीक है। और अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्जेस भी मतलब है ज़्यादा, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है। बाकी आप बाहर के निकल लोगे तो ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी। और रणछोड़ के अंदर भाई साहब इनके पास यहाँ, यदि आप आओ तो यहाँ रुक सकते हो और मेरा नाम ले लेना भाई, पैसे पक्का कम हो जाएंगे, श्योर है पक्का हो जाएंगे। तो यार अभी रात हो गई और फिलहाल मैं यहीं पर सो रहा हूँ, 300 रुपये चार्ज लिया इन्होंने और काफ़ी अच्छी खासी ठंड हो गई यार। और बैटरी वगैरह भी मतलब चल रही है ठीक ठाक है, लेकिन फुल चार्ज कर लगाओ तो आराम से 1-2 दिन निकल जाएंगे, ये तो भाई मुश्किल है। तो भाई ये आगे गरम गरम चाय, और पहाड़ों पर जाकर के भाई चाय नहीं पी और मैगी नहीं खाई तो भाई कुछ नहीं खाया सच में, मतलब मज़ा ही इसके अंदर है भाई, मस्त है, एक नंबर लग रही है। मीठा थोड़ा सा ज़्यादा है ना, मीठा ज़्यादा पीते हैं यहाँ पे लोग, मीठा थोड़ा सा ज़्यादा है, शुगर वाले ध्यान रखना, बाकी सब बढ़िया है। और ये चाय जो है 20 रुपये की, और एक मठरी ली है भाई सबसे वो भी 20 रुपये की है। बाकी आप अपने हिसाब से कैश लेकर आना ज़्यादा बढ़िया है, यदि आप खर्चा करते हो कुछ खाना पीना चाहो ना तो भाई कैश लेकर आना, वैसे आपकी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क तो काम करता नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वैसे, है ना। तो भैया ये आ गई मैगी और सादा सिंपल है बिल्कुल, है ना भैया। ये 2 चमची रहेंगे भैया, अकेला
अकेला ही हूँ मैं। वही गर्म है, ठीक ठाक है। सूप ज़्यादा रखा है मैंने, बाकी सब टेस्ट ही लगता है भाई। गर्म गर्म कुछ भी खाओ पाड़ूंगा। हाँ मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया।